हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, सेटेट का नोटिफिकेशन ऑफिशियल रूप से आउट हो चुका है। फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करना है, स्टडी करनी है अच्छे से, और उसके साथ साथ सेटेट को अच्छे नंबरों के साथ पास करना है। इस पूरे सफर में हम आप सबके साथ हैं। जुलाई वाले सेटेट में हमारे 307 बच्चों का क्लियर हुआ, जिसकी सबकी वीडियोज आप लोगों ने देखी। दिसंबर वाले में 1000 बच्चों का टारगेट है। आप हमारे मुहिम में जुड़िए, हम कोशिश करेंगे कि आप उन 1000 बच्चों के अंदर शामिल हो पाए। आज की वीडियो में हम सीटेट के टीजीटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को रियल में अच्छी स्टडी करके अच्छे नंबरों के साथ सीटेट पास करना है, या केवीएस एनवीएस डीएसएस भी आपको निकलना है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपको बाई कोरियर पूरे भारत में भेजा जाता है। अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छी चीजें आप लोगों को जरूरी होती हैं, कहीं कोचिंग जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटेट टीजीटी योग्यता, सीटेट में टीजीटी की योग्यता क्या होती है, इस बात पे बहुत से बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को वो बुकलेट दिखाऊंगा जो पिछली बार के रिजल्ट में सबसे हमारे टॉप रही है। शुरुआत सीटेट के नोटिफिकेशन का ऑफिशियल पेज आपको दिख रहा है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यह कहता है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा या तो पास हो या 2 साल वाले डिप्लोमे में आप लास्ट ईयर में हो, यह ध्यान रखना आप लोगों ने। कुछ बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे थे, या कल भी मेरे पास 2-3 बच्चों का यह सवाल आया था कि सर हमने एडमिशन ले लिया है बीएड में, क्या हम अप्लाई हैं, एलिजिबल हैं? आपने एडमिशन ले लिया है, अभी आपने एडमिशन लिया है तो आप नहीं हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा है या तो पास हो या सेकंड ईयर में, यानी जो फाइनल ईयर आपका है, अगर 2 साल का है तो सेकंड ईयर, 4 साल का है तो फोर्थ ईयर, तो ये आपका जरूरी है, या तो पास हो या फिर फाइनल ईयर में आप अपीयरिंग हो। योग्यता जो है बीएड वालों के लिए, टीजीटी वालों के लिए जो है वो है ग्रेजुएशन 50% नंबरों के साथ, और उसके साथ 1 साल का जो बैचलर इन एजुकेशन बीएड है वो आपका या तो पास हो या फिर अपीयरिंग हो। ये देखिए, जो 1 साल वाला है वो पास भी चलेगा और अपीयरिंग में भी चलेगा। इसके लिए चाहे आप अपीयरिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, यहां आपकी योग्यता चलेगी। तीसरा है ग्रेजुएशन 45% नंबरों के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन जो है वो एनसीटीई के अनुसार जो है आपका पास होना चाहिए या फिर अपीयरिंग भी हो सकते हैं, यहां भी सेम योग्यता है। चौथे नंबर पे इन्होंने रखा है कि सीनियर सेकेंडरी 50%, यानी 12वीं जो है, प्लस टू जो है वो आपकी 50% नंबरों के साथ हो, और उसके साथ साथ 4 साल का जो बीईआईईडी है, जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं बीईआईडी, वो आपका होना चाहिए, या तो पास हो या फिर फोर्थ ईयर में यानी फाइनल ईयर में आप अपीयरिंग हो सकते हैं। उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी यानी प्लस टू आपकी 12वीं 50% नंबरों के साथ हो, और उसके साथ साथ आपका 4 साल का बीए बीएससीईडी और बीएईडी बीएससीईडी, ये आपका फाइनल ईयर में हो सकता है या फिर पास होना चाहिए। अभी जो वो है आपका ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स के साथ हो, और उसके साथ 1 साल का जो बीएड है वो आपका स्पेशल एजुकेशन वाला या तो पूरा हो चुका हो या आप उसके अपीयरिंग में हो, ये चीज याद रखनी है। बट एक चीज जरूर देखें, मैंने पीआरटी का सिलेबस भी आपको डिस्कस किया, या आपका टीजीटी का भी मैं कर रहा हूं, अगर आप टीजीटी का आपने देख लिया, पीआरटी का देखना है तो इससे पहले वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। एक चीज याद रखें, जो बीएड वाले बच्चे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, जो बीएड वाले बच्चे हैं वो अगर उनका बीएड पास है तो टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड अपीयरिंग है फाइनल ईयर में तो भी टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड आपका अपीयरिंग है तो पीआरटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये इन लोगों ने साफ साफ लिखा है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। पिछले सीटेट में हमारी जो बुकलेट्स जिन लोगों ने सबसे अच्छी भूमिका बच्चों के लिए निभाई है, वो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी इंग्लिश मीडियम, इधर हिंदी मीडियम की आपको दिख रही है, उसके साथ साथ हिंदी की पैडागोजी को आप देख सकते हैं, मैथ की पैडागोजी को आप देख सकते हैं, इंग्लिश की पैडागोजी को आप देख सकते हैं, एसएसटी की पैडागोजी को आप देख सकते हैं, साइंस वीवीएस जैसी पैडागोजी आप देख सकते हैं। तो इन सब ने सबसे अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि सीटेट के पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट की पैडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग लगभग 90 नंबर की अकेली यही पोर्शन आता है सिलेबस के अंदर, और 90 नंबर का अगर आता है तो इसमें से अगर आप अच्छे नंबर ले लेंगे
तो कोई रोक ही नहीं सकता है। एससी एसटी ओबीसी वालों को तो 55% ही चाहिए, वो तो इनमें से निकाल कर भी निकाल ले जाएंगे, और जनरल वालों को अगर यहां 90 में से अच्छे नंबर मिले तो 60 में से कुछ तो लेंगे। तो ये असली जो एग्जाम के लिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें होती हैं वो ये होती हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कम से कम हमारे सामने कुछ किताबें हो जिनको हम अच्छे से पढ़ लें, समझ सकें, प्रैक्टिस कर सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें, जब भी भूलें, जब भी एग्जाम से पहले हो। ऑनलाइन बोर्ड की चीजों को हम लोग कितना समय याद रख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन रिवीजन के लिए तो चाहिए ना, रिवीजन के लिए तो चाहिए। और हालांकि सारी क्लासेज हम आप लोगों को साथ साथ में, जो बच्चे मेटेरियल ले रहे हैं या जो सेंटर के स्टूडेंट हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन लोगों को तो हम सारी वीडियो साथ में वैसे भी आप लोगों को स्पेशल व्हाट्सएप के थ्रू भेज दी जाती है। तो दोस्तों ये जरूरी है आप लोगों के लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये नंबर आपको दिख रहा है 8447410108, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल मॉर्निंग में उठा नहीं पाते हैं क्योंकि क्लासेस बहुत ज्यादा होती हैं, कॉल अगर करना तो 2 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, और जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे उसी दिन कोरियर निकल के आपको उसका स्लिप मिल जाएगा, आप ट्रैक कर सकते हैं कभी भी। यानी पूरी की पूरी जो लोगों की बना के रखी है ताकि कोई भी साथी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको कोई भी समस्या ना आए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।